विराजमान सभी प्रभु भक्तों, मात्र शक्तियाँ, हमारे इस मंदिर के प्रमुख हमारे उमेश जी, क्योंकि मैं भावना रखने वाला जो हमारा देश है ना, वो हमारा देश कभी अपने लिए नहीं सोचता, अपनों के लिए सोचता है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। और मैं उस देश से आई हूँ जिस देश में सदैव सबकी पूजा होती है। हमारे यहाँ तो सर्प को भी दूध पिलाया जाता है, हमारे यहाँ चींटी को भी शक्कर खिलाई जाती है, हमारे यहाँ मछलियों को भी आटे की गोलियाँ खिलाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि एक एक छोटे से जीव से लेकर के हर मनुष्य मात्र तक प्रेम का, भाव का, भक्ति का, सद्भावना का भाव अगर कहीं भरता है तो भारत देश से ही जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम उस देश से आकर के पाश्चात्य सभ्यता में रंग जाते हैं। हालांकि ये बात कहने में भी मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं जितना यहाँ पर आई हूँ लंदन में, मैंने देखा है जितनी सद्भावना से भारत में लोग मंदिर में नहीं जाते ना, उतनी सद्भावना से आप लोग आते हैं। आप अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में आते हैं, यहाँ पे भगवान जी के साथ पूजा करते हैं, अपनी सेवा भाव देखते हैं, और जिसको देख करके हृदय को इतनी शांति मिलती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है, और गर्व से हम कह सकते हैं कि हाँ, आप लोग भारत से तो आ गए हैं पर भारत आज भी आपके हृदय में विराजमान है, भारत आज भी आपके मन में है। और मैं आपको एक बात कहती हूँ कि प्रभु श्री राम, जैसा कि आपने अभी देखा है कि अयोध्या का फैसला आ गया है, बरसों का जो कलंक था वो कलंक मिटा, और जो प्रभु हम बड़े बड़े घरों में सोते थे तो हमें कितना दुख होता था कि मेरे प्रभु श्री राम तंबू में कैसे रहेंगे। इतने दिनों का वो जो कलंक है वो मिटा और मेरे प्रभु श्री राम अपनी अयोध्या वापस आए और पुनः प्रभु अयोध्या में सुंदर स्वरूप में विराजमान होंगे, उसकी बड़ी प्रसन्नता है। और उसी प्रसंग से जुड़ा हुआ एक भाव मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु श्री राम ने जब अयोध्या से निकल करके आप गए वनवास को, लंका में रावण को मारा, और रावण को मारने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया यहाँ का नियम है, हमारे उस समय के राजाओं का नियम होता था कि जिस राज्य को भी वो जीत लेते थे वो राज्य उनका हो जाता था। बोले भैया आपने रावण को तो मार दिया। लक्ष्मण जी ने कहा रावण तो मर गया, तो ये लंका सोने की है और ये लंका तो हमारी हो गई। तो मेरे प्रभु श्री राम ने बड़ी सुंदर बात कही, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले ये लंका सोने की है पर मेरे लिए मिट्टी के ढेले के समान है, ऐसी हजार लंका मेरी एक अयोध्या के सामने कुर्बान है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि से बढ़कर के, अपनी जननी से बढ़कर के, अपनी मातृभूमि से बढ़कर के कोई चीज नहीं होती। ये बात आपको भी हृदय में याद रखनी होगी कि आपकी भले ये कर्म भूमि है लेकिन उस जन्मभूमि को, उस मातृभूमि को अपने हृदय में बिठा करके रखना। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर भारत आपके हृदय में बसा हुआ है तो आपके हृदय में भारत के प्रति प्रेम होगा। आज क्यों धारा 370 जब कश्मीर से हटती है तो लंदन में रह रहे भारतीयों को खुशी होती, क्योंकि उनके हृदय में आज भी भारत है। क्यों अयोध्या का फैसला आता है
सेवा जब होती है, जब जब हमारे हृदय में भारत विराजमान होता है। मैं भारत के ऐसे ही कुछ कार्य हैं जैसे कि गौ सेवा है, गौ सेवा सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हमेशा जब अपनी कथा करती थी दो चीज़ें कहती थी कि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से यही चाहती हूँ कि एक तो राम मंदिर बने और गौवंश हत्या बंद हो। तो एक स्वप्न तो पूर्ण हो गया, भगवान की बड़ी कृपा है। बड़े सारे लोग तो स्वप्न देख देख करके चले गए इस देश से। हमारी कितनी कृपा है, हम भगवान को कितना धन्यवाद करें कि हम ये सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और दूसरा स्वप्न है कि भारतवर्ष से गौवंश हत्या बंद हो जाए, क्योंकि गावो विश्वस्य मात्रा, गौ माता संपूर्ण विश्व की माँ है और उस विश्व की माँ विश्व की जननी, क्योंकि हमारी माँ तो हमें 2 साल 2.5 साल तक दूध पिलाती है, पर गौ माता जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें दूध पिलाती है। उस दूध के लिए हमने एक छोटा सा कार्य प्रारंभ किया। हम गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस चलाते हैं, जो भी बीमार असहाय गाय होती है उनको उठा करके लाते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं। पर बता आपको दुख की बात क्या है, जब एक एक गाय का ऑपरेशन होता है तो 40-40 किलो पॉलीथीन कचरा उनके पेट से निकलता है। कचरा छोड़िए, उनके पेट से कभी कभी ब्लेड, कभी कभी खीले, इतनी बुरी बुरी चीजें, क्योंकि हम कचरा डालते हैं। रोटियां पुरानी हो गई, बासी हो गई, तो उनको डाला, उसके साथ कचरा घर का डाल दिया। गौ माता तो खाने के लिए जब दौड़ती है, कितना बुरा हाल होता है, इतना दुख, इतनी तकलीफ। जिस भारत को विश्वगुरु के पद पे प्रतिष्ठित करने की बात करते हैं, आज उसी भारत को लोगों ने गंदा करके रखा है। स्वच्छ भारत अभियान का मिशन तो प्रारंभ हुआ, लेकिन गांव-गांव तक अभी जा नहीं पाया, तो लोग समझ नहीं पाते। लोग अपनी ही घर को, अपनी ही संस्कृति को साफ सुथरा नहीं रखना चाहते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भारत के जिस भी कोने से आप आते हैं, जब कभी वहां पे जाइए ना, तो वहां के लोगों को बैठा करके एक मीटिंग करिए, लोगों को समझाइए, बैठाइए और दिखाइए कि किस प्रकार के भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। और भारत के लोग अगर भारतीय संस्कृति से दूर जाएंगे तो हमारा ठिकाना कहाँ होगा? हम तो बस अपने लिए जीना चाहते हैं। हमें लगता है कि अरे कहीं हमने किसी और मुद्दे पे बात कर ली, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, हम मर तो नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। डर करने वाला व्यक्ति कभी समाज में जी नहीं सकता। आपको अगर जीना है, हमारे यहाँ कहा गया है जननी जनतो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। अगर किसी माँ को जन्म देना है, शिवाजी महाराज, भगत सिंह जी, ऐसे लोगों को जन्म दो जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए कुछ किया है, ऐसे व्यक्तियों को। मरना तो एक दिन सबको है, ऐसा कोई व्यक्ति हाथ उठा के कह दे मैं तो अमर होके आया हूँ भैया, मैंने अमृत पी रखा है, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। दुनिया में हर आदमी को मरना है, कोई व्यक्ति अमर होके नहीं आया। लेकिन किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है, यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है, जीना सबसे बड़ी कला है। लेकिन यह एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है ना, जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है उसको जीने का अधिकार नहीं है। जीवन तो सबको मिला है, मरना सबको एक दिन, प्रभु का काम करके मरो। कहा गया है, मैं बड़े पते की बात बता रही हूँ, ये तो सबके काम की बात है। हम लोगों का आधा दिन पता है किसमें चला जाता है, लोगों की बुराई करने में, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इतनी चुगली, इतनी बुराई। और विष्णु पुराण में कहा गया है, परापवादम पैशून्यम रतम चाना भासते अन्यो द्वेग करम वापी तोषते तेन केशवा। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति से भगवान कभी खुश नहीं होते। भगवान कहते मैंने तुझे जन्म दिया अच्छा काम करने के लिए। किसी बहुत बड़े विचारक ने कहा, मनुष्य सोच तेरी आंखें भगवान ने आगे की ओर क्यों बनाई, क्योंकि वो हमेशा तुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते। और हम क्या करते, हम अपने आप को ही डिमोटिवेट करते रहते हैं, पूरा दिन लोगों की चुगली, बुराई, कितनी निंदा करते रहते, इसने ये किया, इसने वो किया। हमारे 2 मंजिला घर है, हम उससे खुश नहीं है, बगल वाले ने 3 कैसे बना लिया उससे ज्यादा परेशानी होती है। हम खुद के सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी ज्यादा हो जाते हैं। ये समस्या है, ये छोटी छोटी चीजों को जब हम अपने मन से निकाल देंगे ना, तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आपको पता है, हम अपने आप में बादशाह हैं, हम अपने आप में राजा हैं, हमसे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन हम पूरा दिन रोना रोने में, हाय भगवान कुछ नहीं है, हे भगवान मंदिर में इतनी सुंदर, मैं लास्ट टाइम भी आई थी अंकल को, मैंने कहा अंकल जी इतने सुंदर प्रभु कैसे, कितना आप लोगों ने यहाँ पे भगवान को
प्यार से पैम्पर करके रखा है, क्योंकि देखो भगवान ना हमसे क्या चाहते हैं, सिर्फ प्यार चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने के कुछ जाना निहारा। भागवत महापुराण में भी कहा भगवान के पास आओ निष्काम भाव से आओ, अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम उदार दी तीव्र न भक्ति योगी यजेत पुरुषम परम। तो मैंने अंकल जी से कहा इतनी सुंदर छवि है, लोगों को तो बड़ा आनंद आता होगा। तो हाँ उन्होंने तो कहा आता है, सब लोग आते हैं, लेकिन मुझे बड़ी शिकायत है आप लोगों से, पता है आप लोग जब आते हो मुझे नहीं पता कि सब लोग ऐसा करते हैं, पर कुछ कुछ तो करते ही होंगे। भगवान के पास आएंगे, अरे भगवान जी घुटने में दर्द बहुत रहता है जल्दी से ठीक कर दो, अरे भगवान जी बहू को बेटा होगा कि बेटी होगी, अरे भगवान जी धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, काम व्यापार अच्छे से चल रहा है, अरे भगवान जी ये दे दो, अरे भगवान जी पिछले हफ्ते मैंने चाबी घुमा दी, कहीं चाबी कहाँ रखी है, अरे भगवान जी आपकी चाबी ढूंढने बैठे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कभी मंदिर से अंदर घुसो ना, भगवान को देख के निहार के उनकी तारीफ भी कर दिया करो, वाह प्रभु जी आप कितने सुंदर लग रहे हैं, फिर भगवान से बैठ के थोड़ी बातें भी कर लो, आपने अपना भोग लगाया कि नहीं, आपने प्रसाद पाया कि नहीं, भगवान जी आप ठीक तो हो। हाँ हर रोज हम कितनी तकलीफ में रहते हैं, कितनी चीजें होती है और भगवान को पुकारते रहते हैं, कभी भगवान से भी